नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि हमने आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को कल रात में जो ICDS विभाग से पत्र जारी हुआ था, जिसमें कि अक्टूबर महीने का जो पोषाहार है उसको वितरण करने के लिए जो डेट दिया गया है 31/10/2021 तक आपको अक्टूबर महीने का पोषाहार वितरण कर देना है और OTP सत्यापन करना है, जिसके लिए 31/10/2021 का डेट रखा गया है। तो बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जिनके खाते में अभी तक पोषाहार की राशि नहीं भेजी गई है, तो उनके खाते में जल्द से जल्द एक दो दिन के अंदर उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। और बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जिनके खाते में पैसा आ चुका है, वो अपना पैसा निकासी भी कर चुकी हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो अक्टूबर महीने का OTP है वो अब वेरीफाई होने लगा है, यानी अक्टूबर महीने का जो OTP है वो अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि OTP कैसे निकालना है, कैसे वेरीफाई करना है, और वीडियो हमारा आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को क्या करना है, जो आंगनबाड़ी का जो ऐप दिया गया है आपने इंस्टॉल किया होगा, तो उस ऐप को आपको सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS लाभार्थी वेरिफिकेशन OTP द्वारा जो लिखा गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सिंक्रनाइज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिंक्रनाइज करे वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे मंथ लिस्ट लोडेड हो जाएगा, यानी अक्टूबर महीने का जो लिस्ट है वो लोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, नया बेनिफिशरी सूची लोड करे इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहां से वित्तीय महीना पूछेगा, तो यहां पे आपको अक्टूबर महीना सेलेक्ट करके गेट रिकॉर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करेंगे सफलतापूर्वक आपका जो सिंक्रनाइज है वो सिंक किया गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, OTP सत्यापित वाले पे क्लिक कर देना है। OTP सत्यापित वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपसे पूछेगा यहाँ पर वित्तीय महीना सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको अक्टूबर महीना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अक्टूबर महीना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सभी लाभार्थियों का लिस्ट ओपन हो जाएगा, लिस्ट जो लोड हुआ है अक्टूबर महीने में पोषाहार बांटने के लिए। तो सभी लोगों का आप यहाँ से देख पाएंगे कितने लोगों का नया जो लिस्ट है वो ऐड हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपना लिस्ट लोड कर सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो OTP निकालना है वो कैसे निकालना है। तो आपको OTP निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है आंगन लिंक के। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आंगन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा। ICDS विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ क्लिक करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि टोकन प्राप्त करें वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो लिखा गया है टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आधार से हमको टोकन निकालना है, तो यहाँ पर हमको आधार नंबर और ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद टोकन प्राप्त वाले पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको एक टोकन निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हमने लाभार्थी का आधार नंबर लिख दिया है। उसके बाद इस प्रकार से जो कैप्चा दिया रहेगा वो आपको बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में लिख देना है। लिखने के बाद आपको टोकन प्राप्त वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो अक्टूबर महीने का जो टोकन है वो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे टोकन आ चुका है और यहाँ पे आपको मंथ भी देखने को मिलेगा, 10 लिखा हुआ है, यानी अक्टूबर महीने का ये टोकन आ चुका है। और बारी बारी से सभी लाभार्थियों का जो टोकन है वो आपने कहीं लिख लीजिए और लिखने के बाद उन सभी लाभार्थियों का टोकन वेरीफाई कर लीजिए। जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ पोषाहार की राशि उठा चुकी हैं वो लोग भी, और जो नहीं उठाई हैं वो लोग भी इस टोकन को लिख कर आप रख सकती हैं। जब आपको आपके खाते में पैसा आ जाएगा तो आप लोग उनका सत्यापन करके उनका पोषाहार वितरण कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि OTP सत्यापन होने लगा है, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर जो लोग भी अभी तक हमारे नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।